दोस्तों YouTube ने आपको इतना आसान तरीका दिया है YouTube से पैसे कमाने के लिए, लेकिन आप अब भी हैरान हो कि यार हमसे वीडियो नहीं बनता है, हम वीडियो कौन सा बनाएं, हम चैनल कौन सा बनाएं। आज तक यही सोच सोचकर YouTube से पैसे नहीं कमा पाए और YouTube ने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ऐसे तरीके दिए हैं जिससे आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। और दिया इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है जब आप पैसा कमाते हो तभी YouTube के पास जाता है, क्योंकि जितना परसेंट वो रखता है तभी तो रखेगा जब आपके पास आएगा, जब आपके पास आएगा तभी तो उसके पास जाएगा, भैया इतना परसेंट YouTube का हुआ, इतना आपका हुआ। तो YouTube भी चाहता है आप पैसे कमाओ, इसीलिए YouTube ने आपको ऐसा सिस्टम दिया है कि बना बनाया, बिना वीडियो बनाए, बिना एडिटिंग करे, बिना कोई ताम झाम के आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन आज तक आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन वीडियो को लेकर। अब आपके दिमाग में आया होगा, अरे सर रिएक्शन वीडियो हम पहले बनाए थे, हमारा चैनल नहीं ग्रो हुआ, या फिर किसी का ग्रो हुआ तो मोनेटाइज नहीं हुआ, पैसे नहीं कमा पाए हो, यही चल रहा है ना। अब मैं आपको गलती बताऊं क्या करते थे, मैं बताऊं आप रिएक्शन वीडियो कैसे बनाते थे। आप पहले दूसरे का वीडियो लेते थे, वो वीडियो लेने के बाद जाकर काइन मास्टर या फिर जिससे भी एडिटिंग करना होता है उससे जाकर आराम से उसका वीडियो चाहे बगल में लगा देते हो या फिर ऊपर लगा देते हो, और अपना जो मुंडी हिलाए रहते हो उस वीडियो को नीचे लगा दोगे या फिर अगल बगल जहां भी होता है उसको लगा दोगे और फिर उठाकर डाल दोगे। अब क्या होता है आपके साथ, कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो वहां पर भी रिजेक्ट हो जाता है, होता है ना ये चीज। आप बोलोगे हाँ सर होता है, रिएक्शन वीडियो इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया। भैया रिएक्शन वीडियो में आपको किसी का वीडियो लेकर एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, YouTube ने खुद आपको दिया है एक बटन दबाओ रिएक्शन वीडियो किसी के भी वीडियो पर तुरंत बना लो, ऐसा तरीका दिया है। और बता दूं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूं अगर उसका यूज करके बनाओगे तो भैया 100% चैनल मोनेटाइज होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। वजह यह है कि जो फंक्शन है वो YouTube ने दिया है और आपको किसी का बाप भी कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप जो यूज करोगे YouTube की परमिशन से यूज करोगे, YouTube मोनेटाइज भी करेगा, पैसे भी देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उस फंक्शन का यूज करना आज तक आपको नहीं आया, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि YouTube ने हमको ये सिस्टम भी दिया है। अभी मैं आपको लाइव मोबाइल फोन के अंदर रिएक्शन वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, YouTube ने जो फंक्शन दिया है उसी का यूज करके दिखाऊंगा, 100% चैनल मोनेटाइज होता है। और एक प्रॉपर ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि पहले मैं बनाना रिएक्शन वीडियो बनाना सिखाऊंगा और इसके बाद वो तरीका बताऊंगा, अगर वो तरीका समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी चैनल पर काम करना है, चाहे मिनी ब्लॉग पर, चाहे कॉमेडी पर, चाहे रोस्टिंग पर, चाहे कुकिंग पर, कोई भी चैनल पर काम करना है पहले ये तरीका लगा लेना, लाख दो लाख सब्सक्राइबर कर लेना, इसके बाद आपका मन कहे तब काम करना, और वो सब्सक्राइबर आपके पलक झपकते ही 1 हफ्ते 10 दिन में कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको आ गया। और वही दिमाग लगाना आज आपका भाई आपको बताएगा, पूरा फुल रिसर्च करके इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूं, 3 से 4 दिन से ये रिसर्च चल रही थी, आज कंप्लीट हुई तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, बस पूरा वीडियो देख लेना, देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा कि सर बहुत तगड़ा दिए हो, बहुत आसान है, हर कोई चाहे आप छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी एज के हो, भाई साहब आप काम कर सकते हो। और टाइम नहीं है तो घबराओ मत, सिर्फ आपके 5 मिनट, ये तो ज्यादा लिख दिया हूं 5 मिनट, 1-2 मिनट लगेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको, आप बोलोगे हां सर 1-2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आपके पास टाइम है तो आप आज से YouTube पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा चैनल 1 महीने बाद ग्रो होगा, 2 महीने बाद ग्रो होगा, कब पैसे आएगा, भैया 4 दिन में ग्रो कराओ चाहे 6 दिन में ग्रो कराओ, इसी महीने में ग्रो करा लोगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, इसकी गारंटी देता हूं। तो डायरेक्ट मैं लेकर चलता हूं मोबाइल फोन के अंदर, क्या तरीका है, YouTube ने क्या सिस्टम दिया है रिएक्शन वीडियो बनाने का, वो कैसे यूज करोगे, और वो भी सही तरीका, क्योंकि बताने का बहुत सारे लोगों ने बताया होगा लेकिन 100% सही तरीका क्या है वो चीज आपको बताऊंगा, और वैसे यूज करके काम करना स्टार्ट करना, आप सबको मजा आ जाएगा। जो YouTube ने तरीका दिया है उसका इस्तेमाल जब करोगे ना, आसान तरीके से पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। उसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कंटेंट आपको ऐसे ही बेहतरीन मिलेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया क्या पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है ना, तो लाइक जल्दी से कर दो, हमेशा बोलता हूं आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है जिससे इतना रिसर्च करके आपके लिए चीजें लेकर आता हूं, तो ये दोनों चीज कर दो। अब डायरेक्ट मोबाइल फोन में लेकर चलता हूं और कैसे बनाओगे
किस क्रिएटर का ले सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताता हूं। अब दोस्तों यहां पर मैं यूट्यूब के अंदर आ चुका हूं, अब आपको वो प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं कि कैसे रिएक्शन वीडियो बनाओगे जो यूट्यूब ने आपको सिस्टम दिया है। देखो सबसे पहले यहां पर जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना है, कोई भी शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना है, उस चैनल पर चले जाओ जो भी आपके मन में चैनल है। अब जैसे मैं यहां पर चैनल ले लेता हूं, एक चैनल है आप लोग जानते होंगे दुष्यंत कुकरेजा करके, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है शॉर्ट्स के अंदर। अब मैं इनके आ चुका हूं चैनल पर। अब यहां पर आने के बाद मैं शॉर्ट सेक्शन पर आऊंगा, यानी शॉर्ट्स वीडियो पर आऊंगा। यहां पर आने के बाद मैं कोई भी इनका शॉर्ट्स वीडियो जो इनके पास है, जैसे यहां पर देख सकते हो 6.5 मिलियन यहां पर एक व्यूज आया है, यहां पर आप देख सकते हो 6.5 मिलियन एक व्यूज आया है, मैं क्या करूंगा इस वीडियो पर आ जाऊंगा। सिस्टम समझना क्या करना है, इस वीडियो पर मैं आ जाऊंगा, ये वीडियो आ चुका है। अब वीडियो आने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, क्या लिखकर मिला है, रिमिक्स करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूज दिस साउंड, कोलैब, ग्रीन स्क्रीन, कट द वीडियो, ये चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसमें से रिएक्शन वीडियो बनाने का जो ऑप्शन YouTube ने आपको दिया है वो है ये कोलैब वाला। अब ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, इस पर भी बहुत तगड़े तरीके से आप काम करके पैसे कमा सकते हो। नहीं देखे वो वीडियो, चैनल पर है, लास्ट में इंड स्क्रीन पर दे दूंगा वीडियो, लास्ट में इस कोने में जाकर देख लेना, पहले ये वाला चीजें समझो। अब यहां पर जो कोलैब करके आपको लिखा गया है, यही सिस्टम है जिससे आप रिएक्शन वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना सकते हो और यूट्यूब का इस्तेमाल करके, कोई एडिटिंग वगैरह की कोई झंझट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान तरीका आपको दे दिया है। कई सारे लोगों को पता होगा, कई सारे लोगों को पहली बार वो देख रहे होंगे। अब कौन लोग अभी तक नहीं जानते थे इसके बारे में, कमेंट कर देना, इसे पता चले कि जो चीजें लेकर आ रहा हूं कितने लोगों के लिए नई है और फायदा पहुंचा रहा है। अब कोलैब वाला जो सिस्टम है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर लिखा है जैसे 40-50 सेकंड का जो भी शॉर्ट्स वीडियो रहेगा उसमें सिर्फ आपको 15 सेकंड दिखाएगा कि 15 सेकंड का ये वीडियो आपको लिया गया है। आपको क्या लेना है, पूरा वीडियो लेना है ना, तो आप क्या करोगे इस पर क्लिक करोगे तो फुल वीडियो देख सकते हो, 43 सेकंड का पूरा शॉर्ट्स वीडियो है, 43 सेकंड पूरा का पूरा आ चुका है। अब एक चीज मैं बता दूं, अभी मेन थीम इस तरीके से पैसे कमाने का वो आपको लास्ट में बताऊंगा, और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो, जरूरी चीज है इसलिए बोल रहा हूं। और यही सिर्फ समझ लिए कि कैसे बनाते हैं और देखकर भाग गए ना, तो भैया एक रुपए नहीं कमा पाओगे। बाद में मत बोलना कि सर आपने ये तरीका बताया था इससे ऐसा हो गया, पूरा चीजें समझ कर जाना, सीख कर जाना। इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि मैं वीडियो में आपको लास्ट तक रोकना चाहता हूं, जरूरी चीज है इसलिए रोक रहा हूं, और अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले तरीका सीख लो बनाते कैसे हैं, फिर यूज कैसे करना है वो चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर 43 सेकंड फुल आ गया है, नीचे आप देखोगे यहां पर एक स्क्रॉल करने का ऑप्शन आया हुआ है, यहां पर इसको स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लेना है। अब ये लास्ट तक इसलिए करना है जिससे ये पूरा का पूरा वीडियो आ जाए, जिसमें आप रिएक्शन दोगे ये पूरा वीडियो ले ले। अब ये करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहां पर मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पर यहां पर क्लिक कर लेना। अब ये यहां पर हमें प्रोसेसिंग जैसा दिख रहा है, अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसमें जैसे नेट रहता है आपका स्पीड तेज रहती है तो तुरंत हो जाता है, जैसे मेरा ये फास्ट हो रहा है, स्लो रहता है तो 2-4-5 मिनट ले लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा प्रोसेसिंग नहीं ले रहा है, भैया नेट स्लो होता है इसलिए नहीं लेता है, नेट फास्ट रहेगा देख सकते हो मेरे तुरंत आपके सामने ही हो रहा है। तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट होने के बाद क्या ऑप्शन आएगा मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे ये प्रोसेसिंग होकर आ चुका है। अब यहां पर आ गया, मैं यहां पर देख सकते हो यहां पर ओके कर दूंगा। अब यहां पर देख सकते हो आ गया है, यहां यूज योर ओन कैमरा करके आ चुका है, ये देख सकते हो, मैंने इसको कर लेता हूं सामने का। अब देख सकते हो फ्रंट कैमरा मेरा आ चुका है। अब आपको यहां पर जो जो ऑप्शन मिलता है वो चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर देखोगे जो ये ऐसे क्या बोलते हैं ऑप्शन मिला है आपको, ये जो मतलब की है नहीं ऐसे एरो जो है ऐसे राउंडदार में घूमा हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो आपका कैमरा आगे या पीछे का ओपन हो जाए। जैसे मैं इस पर अगर क्लिक कर दूं तो मेरा पीछे वाला कैमरा चालू हो जाएगा, और इस पर क्लिक किया तो आगे वाला, यानी कैमरे को आप अदल बदल सकते हो, चाहे पीछे वाला ओपन कर लो चाहे आगे वाला। अब नीचे आपको एक टाइमर का ऑप्शन मिलेगा, ये आपके काम की चीज नहीं है। फिर इसके बाद माइक्रोफोन का मिलेगा, देख सकते हो मेरा यहां पर ऑन है, अगर मैं इस पर अभी क्लिक करूं देख सकते हो ऐसे कट का निशान आ गया, यानी ऑफ हो चुका है। तो आपको माइक्रोफोन ऑन रखना है तो उसके लिए यहां पर ऑन कर देना। अब देख सकते हो यूज हेडफोन टू अवॉइड इको, यानी मेरा यहां पर माइक्रोफोन ऑन हो गया तो आपको ऑन रखना है। इसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहां पर ध्यान दोगे आपको यहां पर एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, क्या चार ऑप्शन मिल रहे हैं, लेफ्ट, राइट,
टॉप बॉटम। अब इससे ये मतलब है कि जो आप सिलेक्ट करोगे आपका वीडियो उस फॉर्मेट में चलेगा। जैसे यहां पर मैंने लेफ्ट, मेरा मतलब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो लेफ्ट सिलेक्ट होने का मतलब है मैं देख सकता हूं लेफ्ट साइड में मेरा दिख रहा है वीडियो। अब मैं राइट सिलेक्ट करूंगा देख सकता हूं जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देख सकते हो अपोजिट हो गया अभी जाकर। अब टॉप सिलेक्ट करूंगा तो मेरा वीडियो टॉप पर चला जाएगा, मतलब टॉप पर मतलब जिसके ऊपर बना रहा हूं उसका चला जाएगा और मेरा नीचे आ जाएगा। बॉटम सिलेक्ट करूंगा तो जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहा हूं उसका नीचे आ जाएगा, मेरा वीडियो ऊपर चला जाएगा। तो मैं लेफ्ट वाला राइट वाला जो आपको रखना है, जैसे मेरे लिए लेफ्ट सही लग रहा है कि यार लेफ्ट में सही है मेरा और राइट में जिस क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूं उसका वीडियो है, तो ये मुझे सही लग रहा है। आप जिस हिसाब से रखना चाहते हो यहां पर लेफ्ट राइट सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो और यूट्यूब के फंक्शन से ही सारी आपकी एडिटिंग हो जा रही है। तो यहां पर सिलेक्ट करो, ओके पर प्रेस करो और प्रेस करने के बाद यहां पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये रेड कलर का, ये इस पर आपको सिंपली प्रेस करना है, आपका वीडियो बनकर तैयार। और क्या करना है, रिएक्शन देना है। अब जैसे यहां पर है, मैं स्टार्ट करूंगा। ओ भाई ये तो यहां पर आइसक्रीम लेके जा रही हैं, ओहो लग रहा है ये चोरी से आइसक्रीम लेकर जा रही हैं। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली बोलते हुए यहां पर आपको आपको सारा कुछ बोलना है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा स्लो करता हूं। अब यहां पर जो वीडियो में चल रहा है आपको सिंपली उस वीडियो पर बोलते हुए कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी, चाहे रोस्टिंग कॉमेडी कुछ भी किसी के ऊपर आप दे रहे हो रिएक्शन, आपको ये देखना है कि जो चीज हो रहा है उसके ऊपर सिंपली बोलकर आपको रिएक्शन देना है, मुंडी नहीं हिलाना है, आपको इसमें बोलकर रिएक्शन देना है। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो आपको यहां पर बोलकर रिएक्शन देना है। जैसे ये मेरा रेड रेड जो आप देख सकते हो ऊपर भाग रहा है ना, इसका मतलब है ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वीडियो बनकर तैयार। तो इस तरीके से आपको जो चीज दिख रहा है उस पर बोलकर रिएक्शन दे देना है, ठीक है। अब दे दिया मैंने, यहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहां पर प्रोसेसिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हो ये अभी जैसे ही कंप्लीट होगा आपका वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी आप अपना वीडियो देख सकते हो कि मैंने कैसे रिएक्शन दिया है, कि सही है या नहीं सही है। अब ये चीज करने के बाद आपको आगे का ऑप्शन मिलेगा, यानी उस वीडियो को पब्लिश करने का। अब देखिए इसमें अभी तीन चार मेन ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए फिर से बोल रहा हूं, ये चीज देखने के बाद वो चीज जरूर देखना, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही गड़बड़ होता है। जैसे देख सकते हो ये आ गया मेरा यहां पर, देखिए देखिए देख सकते हो वीडियो का भी साउंड आया है और जो मैं रिएक्शन दे रहा हूं यानी आपको ही समझा रहा हूं तो उसका भी आवाज आया, देख सकते हो। देखिए देख सकते हो दोनों आवाज आया है, और यही एक प्रॉपर बेस्ट तरीका होता है रिएक्शन वीडियो बनाने का। अब ऐसे ही नहीं बनेगा, अभी और कुछ तरीके हैं, बता घबराओ मत। अब जैसे मेरा पूरा वीडियो आ गया, देख लो आपको लग रहा है हाँ ओके है मेरा वीडियो, सिंपली सिर्फ नेक्स्ट पर यहां पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे अपना डिटेल आ जाएगा, टाइटल वगैरह ये सारा कुछ अपना डालो और यहां पर अपलोड शॉर्ट्स कर दोगे। अब यहां पर अपना जाकर थंबनेल वगैरह चेंज कर सकते हो, यहां पर अपने वीडियो का जो आपको थंबनेल रखना है वो सब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे जानते हो शॉर्ट्स अपलोड करने का तरीका, वो सारा कुछ डाल देना और डालने के बाद अपलोड शॉर्ट्स करोगे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में स्क्रीन पर देख लेना वो भी। तो यहां पर आपका वीडियो बनकर तैयार आ चुका है, यहां पर अपलोड करने का 42 सेकंड का ये वीडियो है, देख सकते हो यहां पर दिखा रहा है 42 सेकंड का, टाइटल टैग सारा कुछ डालो इसके बाद अपना अपलोड कर दो। तरीका पता चल गया कि यूट्यूब का कौन सा फंक्शन यूज करके कैसे आप रिएक्शन वीडियो बनाओगे, पता चल गया। अब मेन चीज जो बची है वो चीज समझ लो, अब कैसे मोनेटाइज करोगे, कैसे पैसे कमाओगे उसका चीज, इसको मैं बंद करता हूं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब ये वीडियो हो चुका है बंद, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज आपके काम की समझा रहा हूं। देखो रिएक्शन वीडियो बनाने का आपको तरीका पता चल गया। अब देखिए मेन दिक्कत आती है, आप लोग बोलते हो सर मोनेटाइज नहीं होता, भाई थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, दिमाग दिमाग अगर लगाना सीख लिए तो आपका काम हो गया। अब दिमाग क्या लगाना है, जैसे आप किस चैनल पर काम करना चाहते हो आप मुझे बताओ। कोई बोलेगा सर मिनी ब्लॉग मैं बनाना चाहता हूं, कोई बोलेगा सर मैं फैक्ट का वीडियो बनाना चाहता हूं, कोई बोलेगा कि सर मैं कुकिंग का बनाना चाहता हूं, कोई बोलेगा कि मैं डांसिंग का बनाना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं कॉमेडी का बनाना चाहता हूं, किसी न किसी कैटेगरी में काम करना चाहते हो ना, करना चाहते हो। और एक चीज क्लियर कर दूं, अभी एक चीज बच रहा है, हाँ जो आपने देखा रिमिक्स का जो ऑप्शन देखा ऐसे करके था, रिमिक्स वाला ऑप्शन जिस पर आप क्लिक करके अपना वीडियो बना सकते थे, अब कॉपीराइट आपको क्यों नहीं आएगा मैं बताऊं, क्योंकि जब एक क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है तो वहां पर एक ऑप्शन उसको मिलता है, क्या मिलता है पता है, अलाउ ऑडियो एंड वीडियो रिमिक्सिंग करके ऑप्शन आता है, तो वो हमारे ऊपर होता है कि हम परमिशन दे या ना दे जब वीडियो अपलोड करते हैं। अगर मैंने परमिशन दे दिया यानी अलाउ कर दिया आपको, अगर अलाउ मैंने कर दिया तो भाई कोई भी मेरे वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बना दे, मैं उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैंने परमिशन दिया है और यूट्यूब के माध्यम से वो काम कर रहा है, क्योंकि परमिशन दिया तभी वो रिमिक्स में। बहुत सारे आप देखोगे वीडियो
उसमें रिमिक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी उसने परमिशन नहीं दिया है, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम समझ सकते हो 99% लोगों ने ऑप्शन दिया रहता है, यानी अलाउ ऑडियो ऑडियो एंड वीडियो रिमिक्सिंग पर, तो वहां पर आप अपना बना सकते हो और किसी का बाप भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं दे सकता, क्योंकि ये यूट्यूब का फंक्शन है और क्रिएटर ने अलाउ किया है तभी वो आपको ऑप्शन मिला है वीडियो बनाने का, रिएक्शन वीडियो। तो उसके लिए बेफिक्र रहना, उसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, चीजें मेन समझना कैसे काम करना है। मैंने क्या बोला, किसी ने किसी के दिमाग में होगा मिनी ब्लॉग बनाना, यानी अलग अलग चैनल होगा ना दिमाग में, मुझे इस चैनल पर काम करना है, ऐसे कैटेगरी पर काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अगर आप स्टार्ट करोगे आज कोई चैनल, कितने सब्सक्राइबर होंगे? 0 सब्सक्राइबर होंगे। आप इसीलिए घबराए रहते हो कि सर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मजा आ जाए, फिर काम करने में अच्छा लगे, यही होता है ना। सिस्टम समझना, आपको जिस भी चैनल पर काम करना है, मिनी ब्लॉग, कुकिंग, टेक या फिर कॉमेडी, रोस्टिंग, जिस भी चैनल, डांसिंग, किसी भी चैनल पर काम करना है, एक चैनल सेलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे इस पर काम करना है। अब इसके बाद उस कैटेगरी जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, मुझे इस कैटेगरी में काम करना है, उसमें जो बड़े चैनल्स हैं, यानी शॉर्ट्स के जो बड़े चैनल हैं, उसमें आपको क्या करना है, उन शॉर्ट्स के बड़े चैनल पर आपको ध्यान देना, पॉपुलर करके ऑप्शन आता है ना, यानी जो मोस्ट वायरल वीडियो होता है, पॉपुलर करके आपको पॉपुलर वीडियो पर जाना है। जाने के बाद जो सबसे तगड़ा पॉपुलर वीडियो गया है, भाई पॉपुलर गया है इसका मतलब लोगों ने पसंद किया, अच्छा वीडियो होगा, आपको उस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना देना है, जैसे तरीका बताया उसी का यूज करके उस पर रिएक्शन वीडियो बना देना है। जैसे मिनी ब्लॉग आपको काम करना है मिनी ब्लॉग चैनल पर, तो मिनी ब्लॉग का जो बड़ा चैनल शॉर्ट्स में है, उसका जो पॉपुलर वीडियो है उसके ऊपर ऐसे जाकर अलग अलग चैनल के ऊपर, लेकिन मिनी ब्लॉग का ही, ऐसा नहीं है मिनी ब्लॉग पर काम करना है तो कॉमेडी का आप रिएक्शन दे रहे हो, मिनी ब्लॉग के ऊपर ही रिएक्शन वीडियो बना दो। बनाने के बाद अपना जो कुछ बोलना है या फिर मुंडी ही आपको हिलानी है, कुछ लोग बोलेंगे सर हम बोल नहीं पाएंगे, मुंडी हिला दो भाई, मुंडी हिला दो, ठीक है मुंडी हिला देना। हिलाने के बाद वो मुंडी वीडियो बना दो, ठीक, वीडियो बना दो, उसका वायरल वीडियो है, उसी की वीडियो की वजह से आपका वायरल वीडियो जाएगा। एक चीज समझ लेना, मैं आपको बता दूं 90% जो आपका वीडियो वायरल जाएगा, 90% उस वीडियो की वजह से जाएगा जिस पर आपने रिएक्शन दिया है, ठीक है। अब वो वायरल वीडियो है तो अच्छा वीडियो होगा, तो उसकी वजह से आपके वीडियो बनाकर देख लेना, 2-4 वीडियो में देखोगे 50,000 व्यू आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रिएक्शन वीडियो इतना तगड़ा चलता है, मतलब कि ऐसे करके जो सिस्टम बताया रिमिक्स वाला, तो उस पर आपको व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। अब बताओ जो सब्सक्राइबर मिलेंगे वो कौन से होंगे, जो मिनी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी के ऊपर रिएक्शन दोगे तो जो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं वो सब्सक्राइबर होंगे, रोस्टिंग पर करोगे तो जो रोस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं वो सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, मिलेंगे ना। आप समझना सिस्टम, आपके 10,000, कलर चेंज करूं, 20,000, अरे यार दूसरा कलर करता हूं, नहीं समझ में आ रहा है, 50,000, 1,00,000 जो भी सब्सक्राइबर हो जाए, जब जान लो इतने हो गए हैं, क्या करना है सिस्टम, जितना दूसरे का वीडियो है उसको चाहे प्राइवेट कर दो, अपना खुद का सेम कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। आपने मिनी ब्लॉग चैनल के ऊपर रिएक्शन दिया, जो आपको सब्सक्राइबर मिले वो क्या देखना पसंद करते हैं, मिनी ब्लॉग, तो आप और वीडियो पर जिसमें रिएक्शन दिए उसको प्राइवेट कर लो, आप अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करो मिनी ब्लॉग का, देखना लोग पसंद करेंगे, देखेंगे, वजह यह है उनको मिनी ब्लॉग देखना है और आप उनको दिखवा रहे हो अपना मिनी ब्लॉग, तो देखेंगे क्योंकि उनको उस कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्ट है। जैसे आप YouTube टिप्स का वीडियो देखते हो ना, तो ऐसा था नहीं मेरा देखते हो, भाई YouTube टिप्स का पसंद है वीडियो मेरा देखते होगे और क्रिएटर का देखते होगे, तो वैसे ही ऑडियंस होती है, जो चीज वो देखती है तो उसमें जितने भी क्रिएटर्स होते हैं अलग अलग वो देखती रहती है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि पहले उनके रिएक्शन वीडियो पर अपना रिएक्शन वीडियो बनाकर YouTube का ये सिस्टम इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर बटोर लो, इसके बाद उस वीडियो को प्राइवेट कर दो, क्योंकि डिलीट करना नहीं सही होता है, प्राइवेट ही कर दो, और इसके बाद अपना बनाना स्टार्ट कर दो वीडियो उसी कैटेगरी में, जैसे इसीलिए बोला जिस कैटेगरी में काम करना है उसी कैटेगरी में, चाहे मिनी ब्लॉग बनाना है, चाहे कॉमेडी, चाहे रोस्टिंग, चाहे जो भी बनाना है, उसके जो बड़े चैनल्स हैं उसके पॉपुलर वीडियो है उस पर रिएक्शन बनाओ, और फिर जिस कैटेगरी में काम करना है उसके ऊपर बनाए रहोगे, वही आपको सब्सक्राइबर मिले रहेंगे, वही ऑडियंस आपका सब्सक्राइब की रहेगी चैनल, फिर अपना वो चीज बनाना स्टार्ट कर दो, देखना चैनल चलता कैसे, आपको भी मजा आएगा कि अब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं पहला वीडियो अपना जो डालूंगा अपने 50,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर डालूंगा, फिर देखना क्या होता है, आपका वीडियो रहेगा लोग पसंद करेंगे देखेंगे, और जब देखेंगे भैया सेम ऑडियंस रहेगी देखेगी,
देखेगा फर्स्ट क्लास, अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, वीडियो वायरल जाएगा, और इसके बाद अपने तरीके से उस चैनल को बना लेना, यानी आपका वो चैनल बन जाएगा फर्स्ट क्लास, मोनेटाइज करा लेना। आपको उस वीडियो से नहीं मोनेटाइज करना है, खुद के वीडियो से ही मोनेटाइज करवाना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। और उसके वीडियो से अगर मोनेटाइज करना है कि नहीं सर मैं अपना नहीं बनाऊंगा, मैं रिएक्शन ही बनाऊंगा, तो भाई उसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान देना कि वॉइस अपनी जरूर डालना, सिर्फ मुंडी हिलाने से वहां काम नहीं होगा, वॉइस डालना, तब 100% मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपको वो वीडियो प्राइवेट करके अपने वीडियो डालकर अपना चैनल मोनेटाइज कराना है, तब मुंडी भी हिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइबर बटोर लो 150,000, इसके बाद अपना कंटेंट डालो वो सारे प्राइवेट करके। चीजें समझ गए, आई होप समझ चुके होंगे। रिएक्शन वीडियो बनाने का फुल तरीका अच्छे से बता दिया, यूट्यूब आपको ये सिस्टम दे रहा है, तो बेफिक्र होकर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर कोई अब भी कंफ्यूजन है इतना डिटेल में समझाने के बाद भी, तो कमेंट करके पूछ लेना, जेन्युइन चीज होगा तो मैं खुद रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा है, प्यारा सा एक दिल से रिप्लाई जरूर करना, जो आपके दिल से आए रिप्लाई जरूर करना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहां पर मैंने आपको बोला था दे दूंगा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो, दिया हूं, जाकर देख लेना, कोने में भी मिल जाएगा, उसको देख लेना, उसका भी तरीका सीख लेना, ग्रीन स्क्रीन का भी अच्छे इस्तेमाल करके लोग पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे चैनल से, जाकर समझ लेना, देख लेना। और यहाँ पर आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा, जो आपका मन कहे देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।